हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने FYJC का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी। किस तरह से सेक्रेटरी अपने पर्टिकुलर बिजनेस में किस तरह का कम्युनिकेशन उसे रखना चाहिए, क्या वो वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा, हर एक बहुत सारे लेटर्स उसको लिख के देने होते हैं सबको, और लोगों से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन देना उसका काम है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, मेथड क्या है, उसके मेरिट क्या है, किस तरह का मूड होता है उसका, एसेंशियल स्किल क्या क्या जरूरी होती है कम्युनिकेशन देने या लेने में, और बिजनेस लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, मिनट से सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करना। पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। द टर्म कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिटीज विच मीन्स अ कॉमन, वट एवर इज कॉमन इज शेयर्ड। लैटिन वर्ड से ये आया है जिसका नाम कम्युनिटीज बोला जाता था, जिसका मतलब है इसका शेयरिंग टू ऑल, मतलब हर एक लोगों को सारी चीजें शेयर करना। इसका जो मीनिंग है, आपको एग्जाम में मीनिंग लिखना जरूरी होगा, तो मीनिंग से देखते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ ब्रांच ऑफ जनरल कम्युनिकेशन। किसी भी एक कम्युनिकेशन का ब्रांच है बिजनेस कम्युनिकेशन, ये कोई अलग सी चीज नहीं है, बस इसमें कम्युनिकेशन वर्ड जुड़ गया है ताकि बिजनेस में क्या क्या बातें होती है वो हम शेयर कर सके। व्हेन कम्युनिकेशन टेक प्लेस अमंग द बिजनेस एंटिटीज कंसर्निंग अ बिजनेस अफेयर एंड अ बिजनेस रिलेटेड इशू। जब किसी भी तरह का कम्युनिकेशन होता है जो बिजनेस से रिलेटेड हो और बिजनेस अफेयर से रिलेटेड हो, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है जो ब्रेनर ने दिया है, बिजनेस कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेशन चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग द आइडियाज। चैनलाइज करना, उसे प्रॉपर जगह पे लेके आना, रिसीव करना यानी स्वीकार करना, इंटरचेंजिंग यानी एक दूसरे से लेना और देना जो भी इंफॉर्मेशन है वो, इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज, अपने आइडिया को शेयर करना और आइडिया लेना इन अ कॉमर्स इंडस्ट्री। कॉमर्स इंडस्ट्री में सारी चीजें होती है, तो उसे क्या कहते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन सेटिस्फेक्टरी अचीव गोल विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता अगर उसके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। तो एक एक करके देखेंगे क्या क्या कम्युनिकेशन होता है। आपका पहला पार्ट है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन होता क्या है, जब भी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस इंटरनली बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट में जब एक दूसरे में कम्युनिकेशन वो लोग करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाहर के लोगों से बात करे, जैसे बैंक से, उनके सप्लायर जो उन्हें माल सप्लाई करते हैं, उनके क्रेडिटर जिनसे उन्होंने उधार लिया हुआ है, उनके गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट में वो लोग काम कर रहे हैं, तो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसके मेथड क्या है, पहला तो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, यानी ऑब्वियसली मुंह से बोला गया चीज, उसमें क्या होता है, कन्वेइंग ए मैसेज इन स्पोकन फॉर्म। स्पोकन फॉर्म मतलब मुंह से बोला गया, वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन टेक प्लेस डिफरेंट वे, पर्सनल टॉक हो सकता है, इसमें इंटरव्यू भी पर्सनल कम्युनिकेशन है, स्पीचेस है, टॉकिंग है, तो ये वर्ड्स याद रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। सेकेंड है आपका बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम फेशियल एक्सप्रेशन से कोई बात किसी से करें तो, मैन डज नॉट कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स अलोन एंड थ्रू राइटिंग द स्पीकिंग एंड लिसनिंग, देयर इज अनदर एस्पेक्ट, कोई एक अलग तरीका भी है ऑफ द कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल एस्पेक्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व नाइदर अ रिटन नॉर अ स्पोकन वन, ना तो उसमें बोला गया है ना तो लिखा गया है, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन डिफरेंट वे सच एज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, जेस्चर बोलते हैं, पोस्चर बोलते हैं, फाइन फेशियल एक्सप्रेशन, फेस को चेंज करके हम बोलते हैं, बहुत बार आई कॉन्टेक्ट से हम बात करते हैं, सॉरी साइलेंस और सिंबल से बात करते हैं, उसे बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसा आप लोगों को पता है लेटर्स वगैरह, वेन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन आइडिया रिटन फॉर्म ऑफ रादर देन स्पोकन वर्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है पहला वाला, जो भी आपको लिखना है अगर इसका मीनिंग, तो स्पोकन वर्ड नहीं होगा, लिखा हुआ होगा, इट इज नोन एज अ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड द रिपोर्ट, लेटर, सर्कुलर एक्सेट्रा, चॉइसेस ऑफ द वर्ड शुड बी मेड इन केयरफुली,
इन अ रिटन कम्युनिकेशन द वर्ड शुड बी सच अ वे द स्पेसिफिक मीनिंग, जो आपका वर्ड होता है वो स्पेसिफिक मीनिंग देना चाहिए, नॉट कंफ्यूज, वो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, अलग अलग मीनिंग के साथ मल्टीपल मीनिंग नहीं होना चाहिए। एज फार एज द पॉसिबल मैसेज शुड बी शॉर्ट, मैसेज जो होगा वो काफी शॉर्ट होना चाहिए, रिसीवर आराम से उसे समझ पाए, उसको डिफिकल्टी ना हो उसका असली मीनिंग जानने में, ट्रू मीनिंग जानने में उसका डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। देर आर मेनी सिचुएशन व्हेन रिटन कम्युनिकेशन आर यूज, मेनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर द ऑफिशियल वर्क, बहुत सारे समूहों पे क्या करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं लोगों से बात करने के लिए, और अलग अलग लेटर्स होता है, मेमोस होता है, नोटिस बनाए जाते हैं, सर्कुलर होता है, रिपोर्ट होता है, मिनट होता है, ये सारे एग्जाम्पल है रिटन कम्युनिकेशन के। 9.4 में आपका है मेरिट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, मेरिट क्या है, मेरिट यानी उसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला आपका जो इम्पोर्टेंस है वो है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, काफी वो एक्यूरेट और सही होना चाहिए, प्रिसाइज यानी छोटा होना चाहिए, ग्रेट केयर रखना पड़ेगा, ड्राफ्ट विद ग्रेट केयर, सिंस द रिटन कम्युनिकेशन इज ओपन टू वेरिफिकेशन इट्स ऑथेंटिकली कैन बी इजिली चैलेंज, रिटन कम्युनिकेशन लिखी गई चीज है, फ्यूचर में आप इसको आराम से ऑथेंटिकेशन का चेक कर सकते हैं कि यह सही है या गलत, इसीलिए इसको अच्छे से लिखो, एक्यूरेट होना चाहिए, और एक्यूरेट एंड फैक्चुअल यानी इसमें नंबर्स लिखे होने चाहिए, काफी नंबर्स होते हैं उसके फैक्चुअल बोला जाता है। देयरफॉर इन द रिटन कम्युनिकेशन देयर इज एन इंस्टेंस ऑफ द ग्रेटर एक्यूरेसी एंड प्रिसाइसनेस, काफी छोटा और सही होना चाहिए। दूसरा आपका रीरीड मेनी टाइम, रिटन कम्युनिकेशन कभी भी इस तरह का हो कि इसे हम बार बार रीड कर सकें और बार बार उसमें से चीजें समझ सकें फ्यूचर यूज के लिए, ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, रिटन कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है, एक बार चीजें लिख गई तो वो हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एविडेंस यानी सबूत, एक सबूत के तौर पर यह काम करेगा, अगर आपने रिटन कम्युनिकेशन लिख के रखा है, कोई लेटर या फिर किसी भी तरह का नोटिस है, मेमो है, कोई भी चीज है, आप फ्यूचर में चाहे तो उसे सबूत के तौर पे यूज कर सकते हो। जो भी सरकारी दफ्तर में काम होते हैं आज भी सारी चीजें लेटर्स पे क्यों होते हैं, जबकि टेलीफोन है, ईमेल है, सारी चीजें होने के बावजूद, क्योंकि हर एक चीज का ऑथेंटिक एविडेंस होना चाहिए, सब चीज का सबूत होना चाहिए, इसलिए आज भी वहां पे लेटर्स लिखे जाते हैं। वाइड एक्सेस रिटन कम्युनिकेशन बेस्ट चैनल फॉर कम्युनिकेशन फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन टू पर्सन लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस, वाइड एक्सेस, दूर किसी को भेजना तो पॉसिबल होगा, नो नीड टू पर्सनल कॉन्टेक्ट, पर्सनली जानना बहुत जरूरी नहीं है, आप लिख के चीजों को सेंड कर सकते हो, कम्प्लीटनेस होना चाहिए, कम्प्लीटनेस होता है उससे, रिटन मैसेज आर प्रिपेयर विद अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ थिंग, चीजों को अच्छी तरह से समझ के हम आराम से लिखें तो चीजें कम्प्लीट होंगी, अच्छी दिखेंगी। इकोनॉमिकल होता है, काफी सस्ता होता है रिटन कम्युनिकेशन, एक पेपर और एक पेन और आप इजिली किसी से कोई भी चीज कम्युनिकेट कर सकते हो। आगे आपका जो है वो 9.5 जिसका नाम है मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के वेज आजकल निकल गए हैं, आप किसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, किसी को ईमेल सेंड कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को बता सकते हो। ब्लॉग क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग एक पर्सनल वेबसाइट पे सारी चीजें लिख के उसे पब्लिकली लोगों को दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे फेसबुक वगैरह आपको पता ही है, सेलुलर फोन, आप फोन से भी कम्युनिकेट कर सकते हो वीडियो कॉलिंग वगैरह, तो ये सारी चीज क्या हो गई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसमें आपको सिर्फ ब्लॉग का थियरी देख लो, बाकी चीजें आप लोगों को पता होंगी वेबसाइट क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होते हैं। तो ब्लॉग के थियरी में देखेंगे तो बिजनेस ब्लॉग इज अ वेबसाइट पब्लिशिंग अ इनफॉर्मल ऑनलाइन आर्टिकल आइदर इंक्लूड अ कंपनी इंटरनल कम्युनिकेशन। ब्लॉग एक तरीके का वेबसाइट है जिसके अंदर कंपनी अपना इनफॉर्मल आर्टिकल, जो भी इनफॉर्मल ऑनलाइन आर्टिकल होता है, जो कंपनी में ऑफिशियल आर्टिकल नहीं है, इनफॉर्मल है, कंपनी के इंटरनली कोई बात है, तो उन चीजों को वो लोग ब्लॉग पर लिख के वो लोग दे सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह है, ये सब एक तरीके के कम्युनिकेशन स्किल है। मोबाइल, सेलुलर मोबाइल में क्या है, फोन इंक्रीज द कंपनीज फाइंड इट येट अनदर मीडियम, एडवर्टाइज आता है काफी, आप जो भी चीज ओपन करते हो उस पर अलग अलग एडवर्टाइज आता है। एडवर्टाइज आने से मतलब क्या है, कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में आपसे कम्युनिकेट कर पाती है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपको इम्पोर्टेंट इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि ये क्या है, एसेंशियल स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है अगर ये चैप्टर आएगा तो। तो पहला इसके अंदर है लिसनिंग, किसी भी कम्युनिकेशन का पहला सबसे पार्ट होता है लिसनिंग, आप चीजों को अच्छी तरह से सुनो पहले। मैंने बहुत बार ऐसे कमेंट्स भी देखे हैं कि सर आपके लेक्चर फास्ट होते हैं, कुछ पॉइंट्स आपने छोड़ दिए, तो गाइज लेक्चर्स में फास्ट इसलिए बनाता हूं कि चीजें आपको
थोड़े से में ज्यादा मिल जाए, अगर आप ध्यान से टेक्स्ट बुक लेके सुनोगे देखोगे बैठोगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले बात तो सुनना, अच्छा कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब चीजों को आप अच्छे से सुनोगे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बीइंग गुड लिसनर। पहले गुड लिसनर बनो, सुनने वाला बनो, अच्छा सुनने वाला बनो। पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सुनो और उसे समझो, उसके बाद जाके तुम बोलो तो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है इसके अंदर, इम्पॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज शुड हेल्प अ कन्वे अ वर्ड। अदर फैक्टर टू बी कंसिडर लाइक अ टोन्स एंड पिच ऑफ द वॉइस, हैंड जेस्चर एंड एंसरिंग आई कॉन्टेक्ट। बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, अगर बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देते हो, जैसे आप IAS का इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहां पे वो लोग बहुत दूर, आपसे बहुत दूर एक ऑब्जर्वर बैठा रहता है जो सिर्फ आपको देखता है, आपसे कुछ पूछता नहीं। उसके देखने का मेन मकसद ये होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज वो देखेगा और उस पर जज करेगा कि आपका कैरेक्टर कैसा है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज काफी सही होना चाहिए किसी भी लोगों से बात करते वक्त, ताकि लोग आपको जज न करें। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं होगा, आप भले ही कितना अच्छा बोलो, लेकिन उसका ध्यान आपके खराब चीजों पे पहले चला जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। क्लियर एंड कंसाइज, जो आपका कम्युनिकेशन हो काफी क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई दो बातें नहीं होनी चाहिए। और कंसाइज यानी छोटा होना चाहिए, यानी कि बहुत लंबी छोटी बात आप बता दिए और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वेदर इन अ पर्सन ऑन वाया टेलीफोन ईमेल, मैसेज शुड बी क्लियर। पहले तो क्लियर हो, कंसाइज और डायरेक्ट हो। अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव वर्ड, ज्यादा वर्ड नहीं यूज करना है। बिफोर स्पीकिंग गिव सम थॉट्स एंड मैसेज टू बी कन्वेड, जैसे हम किसी को कोई चीज बोलने के पहले बोलते हैं हेलो, तो उससे उसका अटेंशन लेने के बाद आपको चीजें बोलनी है। सडनली आप पहुंचे और अपनी बात बोलने चालू कर लिए, उसका अटेंशन नहीं है तो वो गलत है। तो पहले अटेंशन लेना है। पर्सनेबल व्हेन कम्युनिकेशन फेस टू फेस विद समवन यूज फ्रेंडली टोन, जब सामने से किसी से बात कर रहे हो तो आपका जो टोन है वो फ्रेंडली होना चाहिए, काफी दोस्ती की तरह। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए कम्युनिकेशन करते वक्त, वरना सामने वाला आपको सीरियसली नहीं लेगा। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी इज द स्किल ऑफ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे की फीलिंग को तुम समझ लो, उसको एम्पैथी बोला जाता है। तो ये चीज भी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। गिव एंड रिसीव अ फीडबैक, फीडबैक लेना और देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे आपका जो 9.7 है वो बिजनेस लेटर है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर सकते हैं। एक बार मीनिंग देख लेंगे इसका, मीनिंग में क्या है। बिजनेस लेटर इस टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन रिटन बाय सेकेंडरी एंड गुड लेटर राइटिंग इम्पोर्टेंस मेंटेनिंग इमेज। लेटर इतना जरूरी है। ये क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस इज अ मैसेज दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस, किसी भी तरह का ऐसा मैसेज दो जो चीज इन्फ्लुएंस करेगा बिजनेस को, अफेक्ट करेगा बिजनेस को, उसको हम लेटर बोल सकते हैं। एटीट्यूड डिजायर एंड बाय द सेंडर, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका डिजायर कैसा है सेंडर का। और बिजनेस लेटर को जिस तरह का दिखता है, आपका बिजनेस लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। आपको 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, तो देख लो इसको। लेआउट लेटर है, आपका कंपनी का नाम यहाँ पे सब आ जाएगा, आपकी कंपनी के बारे में आपका ईमेल एड्रेस और डेट, डेट इस साइड आएगा, याद रखना है इसको। और जिसको लिख रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पे आने के बाद, बीच में सब्जेक्ट ये आपका डियर सर वगैरह, उसके बाद आपका लेटर का बॉडी और इंक्लोजर। आप प्रॉपर लेटर देखोगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसमें और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है एसेंशियल फॉर गुड बिजनेस लेटर, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट। जो ये दो आंसर तो आपको पढ़ना ही है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से, क्लैरिटी कंसाइजनेस इसको बोलते हैं, आप 7 C's ऑफ बिजनेस लेटर, मतलब अलग अलग सी है। तो सी क्या है, ये पहला है क्लैरिटी। बिजनेस लेटर के अंदर प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए, जो वर्ड्स होने चाहिए काफी सिंपल होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, और उसको इस तरह से यूज करो, टेक्निकल और डबल मीनिंग वर्ड उसके अंदर नहीं डालने हैं, ताकि लोगों को समझ में ना आए। ज्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, जैसे हम प्लीज को PLZ लिख देते हैं, ऐसे कुछ चीजें उसमें नहीं आना चाहिए, प्रॉपर स्पेलिंग के साथ सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरा है कंसाइजनेस, कौन सा, लेटर शुड बी एट इन ब्रीफ, छोटे में होना चाहिए, मिनिमम वर्ड यूज होना चाहिए उसके अंदर, अननेसेसरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड, किसी भी तरह का अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होना चाहिए, वो सब रादर एंड प्रूव देम इफेक्टिव, ये सब चीज लेटर को काफी इफेक्टिव बनाते हैं। कंप्लीटनेस होना चाहिए लेटर के अंदर, लेटर पूरी तरह से कंप्लीट दिखना चाहिए। फैक्ट एंड फैक्ट पर्टेनिंग टू बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर, इनकम्प्लीट लेटर डज नॉट अचीव अ डिजायर रिजल्ट, जब कोई लेटर इनकम्प्लीट होगा तो वो डिजायर रिजल्ट नहीं पाएगा, यानी जो उसको चाहिए वो चीज उसको मिलेगा नहीं,
तो लेटर कंप्लीट होना चाहिए। कर्टिसी मतलब क्या होना चाहिए, कर्टिसी मतलब आपको उसके अंदर थोड़ा सा प्रेम भाव होना चाहिए आपके लेटर के अंदर। कर्टिसी मीन्स लैंग्वेज ऑफ लेटर मस्ट बी पोलाइट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, पोलाइटनेस के साथ एकदम शांति से लेटर लिखा रहे, उसमें किसी भी तरह का हार्श वर्ड नहीं यूज किया गया, हार्श वर्ड, रूड वर्ड, इंसल्टिंग रिमार्क, ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं, किसी भी तरह का गाली गलौज ये सब चीजें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। एकदम अच्छा और सिंपल काइंड टाइप का आपका लैंग्वेज होना चाहिए। करेक्टनेस होना चाहिए, लेटर शुड बी करेक्ट, मिस्टेक इन फिगर और फैक्ट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, दैट शुड बी ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक, किसी भी तरह का ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक आपके लेटर में नहीं होना चाहिए। करेक्टनेस में यह आएगा ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक आपका। 6.1 कोहरेंस, कोहरेंस क्या होता है, लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब क्रोनोलॉजी समझते हो, एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कोई भी बात कहीं पे भी नहीं लिखी होनी चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस में सब चीज लेना। कोहरेंस मतलब एक तरीके का बोलो प्रॉपर सीक्वेंस, इधर लिख लेना एक बार प्रॉपर सीक्वेंस, ताकि आपको चीजें याद रहे अच्छे से। मैसेज शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैराग्राफ, अलग अलग पैराग्राफ में होना चाहिए, इट शुड बी अरेंज इन लॉजिकली, कोहरेंस ये वर्ड याद आ जाएगा, अंदर का मीनिंग नहीं याद होगा, तो एक बार लिख लेना लॉजिकल सीक्वेंस। कंसिडरेशन शुड बी कॉल्ड यू एटीट्यूड उसके अंदर होना चाहिए। द लेटर शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू में लेटर लिखा होना चाहिए, जैसे कि आपके लिए हम ये बोल रहे हैं, आपको ये चीज सूचित किया जाता है, हमेशा यू एटीट्यूड उसके अंदर होना चाहिए, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर आपको लिखना है। द राइटर शुड गिव अ ड्यू इम्पोर्टेंस कंसिडरेशन रीडर, रीडर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, तभी वो आपके लेटर को अच्छी तरह से पढ़ेगा। आपका ये पॉइंट है चेयरफुलनेस, चेयरफुलनेस क्या होता है, बिजनेस लेटर शुड बी चेयरफुल, चेयरफुल लेटर पॉजिटिव एंड शोज अ स्पिरिट ऑफ होपनेस, होपफुलनेस एंड चेयरफुल, यानी उसके पॉजिटिव एटीट्यूड आपके लेटर के अंदर होना चाहिए, उसके अंदर एक होप होना चाहिए, एक आशा होनी चाहिए। लेटर शुड बी अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स, किसी भी तरह का नेगेटिव वर्ड्स, नकारात्मक चीजें लेटर में नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी चीज, ये जो आपका आंसर था, ये आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हर बार हर साल तुमको कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ये 7 C's ऑफ लेटर प्लीज याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो आंसर पढ़ लेना, बाकी इसमें जो भी टॉपिक बचा है मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अगले वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।